नमस्ते दोस्तों, केम छो मजामा। मैं संजय न्यू टेरेस गार्डनिंग एंड ब्लॉग चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। ये मेरा एडेनियम का प्लांट है बड़ा, ये देखिए इसमें फ्लावरिंग भी हो रही है। तो आज इसी को मैं रिपोर्ट करने जा रहा हूँ क्योंकि बहुत ही छोटे गमले में लगा हुआ है और इसमें मैं खाद भी नहीं दे पाता हूँ। ठीक, देखिए पूरा ऊपर तक भरा हुआ है। मैं खाद देने जाता हूँ तो भी खाद भी इसमें रहती नहीं है और इसको रिपोर्ट करना बहुत ज़रूरी हो गया है क्योंकि इसका कोडेक्स भी ठीक से मोटा नहीं हो पा रहा है, देखिए गमले की। तो इसी को आज रिपोर्ट करने जा रहा हूँ। तो इसके लिए कैसे सॉइल मिक्स बनानी है, और मेरे पास बोनसाई पॉट तो है नहीं, तो मैं ऐसे ही बड़े पॉट में ही रिपोर्ट करूँगा। तो अगर आपके पास बोनसाई पॉट नहीं तो किस तरह आप एडेनियम को रिपोर्ट कर सकते हो, वो सब आपको इस वीडियो में पूरे डिटेल्स के साथ बताऊँगा। तो आप मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो ये काफ़ी टाइम से मिला है, तब से इसी में लगा हुआ है, कम से कम डेढ़ साल से ऊपर होने आया, तब से मिला आया था तब से। देखिए इसे बर्ड्स बन रही है, पर क्या है खाद नहीं दे पाता हूँ तो इसमें क्या है कि कलियाँ जड़ भी जाती है। तो आज मैं ये देखिए ये बड़ा पॉट है 10 इंच का होगा, इसी में रिपोर्ट करूंगा। ये देखिए ये बॉन्साई पॉट नहीं है और फिर भी मैं इसी में रिपोर्ट करूंगा क्योंकि बॉन्साई पॉट हमारे यहाँ जल्दी अवेलेबल होते और मेरे पास जो रहता है उसी से मैं काम चलाता हूँ। इसमें किस तरह रिपोर्ट करना है कि हमारा प्लांट एक बॉन्साई शेप में ही रहे, तो इसी के बारे में आज आपको पूरा बताऊँगा, इसकी सॉइल मिक्स के बारे में सब। अभी बारिश भी चल रही है, वैसे मानसून लास्ट सीजन चल रहा है, जाने वाला है पर इसीलिए। तो सबसे पहले तो इसकी मिट्टी के लिए देखिए मैंने क्या क्या लिया है, एक नज़र आपको दिखा देता हूँ मैं। ये देखिए ये मैंने इसकी मिट्टी बनाने के लिए लिया है क्योंकि एडेनियम को अच्छी सी वेल ड्रेन मिट्टी चाहिए। अगर एडेनियम प्लांट की में पानी रुकेगा गमले में तो आपका प्लांट गल के ख़त्म हो जाएगा। तो इसके लिए मैंने कम से कम देखिए ये 40-60% के आसपास मैंने जो कंस्ट्रक्शन सॉइल आती है वो ली है, और ये भी कंस्ट्रक्शन सॉइल ही है, उसमें जो चावल की भूसी नहीं आती जो धान वाली वो मिली हुई है। ये मैं पहले एडेनियम के लिए बना के रखी थी तो बची थी तो ये ले ली है, और यहाँ ये, और यहाँ मैं 10% या 20% इतनी नॉर्मल गार्डन सॉइल ले रहा हूँ, ज़्यादा इसमें से भी मैं कम कर दूँगा क्योंकि ज़्यादा गार्डन सॉइल नहीं डालूँगा मैं, थोड़ी सी डालूँगा 10% या 20% के आसपास। ये थोड़ा चारकोल लिया है मैंने, लकड़ी का कोयला जो आता है, लकड़ी जलने के बाद जो कोयला बनता है वो कोयला लिया है, थोड़े ईंट के टुकड़े हैं, और यहाँ पे जो ये बजरी जो छानते हैं कंस्ट्रक्शन सॉइल उसके बाद बचती है वो मोटी वाली बजरी है, और वर्मी कंपोस्ट डालूँगा खाद में, और कोई दूसरी खाद नहीं डालूँगा, वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट में 10-20% के आसपास डाल दूँगा। तो इस तरह हम इसका सॉइल मिक्स तैयार करेंगे। तो सबसे पहले तो सवाल यह होता है कि ये गमला बहुत ही गहरा है, तो इसको हम इतनी ज़्यादा मिट्टी भरेंगे तो फिर हमारा प्लांट फिर पानी रुकेगा कभी, मतलब पानी नहीं रुका तो भी मतलब इसकी जड़ें नीचे तक फैलाएगा। तो सबसे पहले मेन बात यह होती है कि हम बॉन्साई लुक में कैसे इसको बनाए रखें। तो सबसे पहले इसके ड्रेनेज को हम अच्छे से कवर कर लेते हैं ठीकरी से, ये देखिए ठीकरी से कवर कर लेते हैं। ठीकरी से कवर करने के बाद जो ये हमने ईंट के टुकड़े लिए हैं वो टुकड़े हम नीचे डाल देंगे। ये देखिए मैंने ज़्यादा छोटे नहीं किए, ऐसे ऐसे मीडियम साइज़ के रखे हैं, तो इसको नीचे भर लेते हैं पहले। ये देखिए एक लेयर हमने ठीकरी के रख दिया है जो ईंट के टुकड़े थे वो, उसके बाद हम ऊपर ये डालेंगे जो बजरी सॉइल को छानने के बाद जो निकलते मोटे वाली, वो उसके ऊपर अच्छे से बिछा देंगे। तो ये हमारा सेट हो गया। अब मैं क्या करूँगा, थोड़ी इसके ऊपर गार्डन सॉइल डाल दूंगा एक मुट्ठी, बस ज़्यादा गार्डन सॉइल नहीं डालूंगा, बस थोड़ी सी आधे मुट्ठी के बराबर गार्डन सॉइल डाल दी। अब हमारा जो सॉइल मिक्स बनाया है ये देखिए, ये जो 60%
नो कंस्ट्रक्शन सॉइल है 20% गार्डन सॉइल और 10% के आसपास इसमें चावल की जो भूसी आती है वो मिलाई है और 10% के आसपास मैं इसमें वर्मी कंपोस्ट मिला दूंगा। ये देखिए वर्मी कंपोस्ट भी मिला ही देता हूँ मैं। ये देखिए वर्मी कंपोस्ट है। मैंने वर्मी कंपोस्ट मिलाया है। अब इसमें 1.5 चम्मच के आसपास फंजीसाइड पाउडर डाल दूंगा। ये देखिए मैंने फंजीसाइड पाउडर डाला है 1.5 चम्मच के आसपास। हमें ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है इसलिए फंगस वाला पाउडर डाल देना है। अब ये चारकोल है इसको मिक्स कर देंगे हम। अब इसको मिक्स कर देंगे इसके अंदर। ये देखिए इसमें चारकोल और सब मैंने डाल दिया है और फंजीसाइड पाउडर भी। अब इसको अच्छे से मिला लेते हैं। फंजीसाइड पाउडर आपको अच्छी तरह डालना है 1.5 चम्मच, क्योंकि फंगस का चांस बहुत रहता है एडिनम में, इसीलिए। तो अच्छे से मिला लेता हूँ मैं। ये मैंने सॉइल में अच्छे से मिला लिया है। अब एक लेयर इस गमले में बिछा दी है मैंने। अब ये एडिनम प्लांट आपको निकाल के दिखाता हूँ गमले से बाहर। एक हाथ से तो होगा नहीं, इसीलिए मैं प्लांट निकाल के आपको दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे मैंने प्लांट निकाल लिया है और नीचे देखिए इसमें भी मैंने सब क्या डाला था, कोयला, और वही सब निकल रहा है। तो इसकी रूट्स में अच्छे से फंगस वाला पाउडर, मैं फंजीसाइड पाउडर डाल देता हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो आप हल्दी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो इसको अच्छे से फंजीसाइड डाल के इस गमले में लगा देना है। ये देखिए इसकी रूट्स देख सकते हो आप कितने अच्छे से डेवलप हुई है, और इसका कोडेक्स भी देखिए आप। तो इसको मैं अब इसमें लगा देता हूँ गमले में फंजीसाइड लगा के, फिर आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ये प्लांट को मैंने बड़े गमले में शिफ्ट कर दिया है। ये कोडेक्स पे मिट्टी लगी इसलिए ज़्यादा दिख नहीं रहा है। तो ये मैंने 10 से 12 इंच के गमले में इसको शिफ्ट कर दिया है, और देखिए इस तरह। तो अब इसमें क्या करना है, आपको पानी दे देना है एक बार अच्छे से, और पानी में क्या करना है, फंजीसाइड पाउडर मिलाना है 1 चम्मच के आसपास। आप 0.5 लीटर पानी लीजिए, ज़्यादा एक आधा एक लीटर, और 1 चम्मच फंजीसाइड पाउडर मिला के इसमें डाल देना है ताकि इसमें फंगस से चांस ना रहे। तो ऐसे करके आप पानी डाल के इसको अच्छी से जगह पर रख दीजिए। तो आपका और कोई सवाल हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय।